यातायात थाना प्रभारी और चाइल्ड लाइन की साझा मदद से 3 वर्षीय खोई हुई आस्था पहुंची अपने घर। 6 अक्टूबर की दोपहर डीएमसीएच अस्पताल के आउटडोर के पास से 3 वर्षीय आस्था अपनी मां रीना देवी से बिछड़ गई। आस्था भटकते हुए पास के मोहल्ले में चली गई, जहां कुछ लोगों ने खोई हुई बच्ची समझकर पास के यातायात थाना प्रभारी नीलमणि रंजन के हवाले कर दिया, ताकि खोई हुई बच्ची को उसके परिजनों तक पहुँचाया जा सके। थाना प्रभारी नीलमणि रंजन ने बच्ची से पूछताछ कर तुरंत ही आसपास के मोहल्लों में अपने कुछ सिपाहियों के साथ जाकर बच्ची के परिजन की तलाश शुरू की। काफ़ी मशक्कत के बाद भी जब परिजनों का कोई सुराग नहीं मिला तो थाना प्रभारी ने चाइल्ड लाइन को इसकी सूचना दी। कुछ देर बाद चाइल्ड लाइन के कर्मी यातायात थाना पहुँचे और बच्चे से पूछताछ में पता चला कि बच्ची सुरहा चट्टी गाँव के निवासी रीना देवी की लड़की है। चाइल्ड लाइन के कर्मी ने उक्त मोहल्ले के लोगों को फोन कर बच्ची के बारे में बताया और फिर बच्ची के परिजन तक खबर पहुंचाई गई, जिसके बाद बच्ची के परिजन यातायात थाना पहुंचकर जरूरी कागजी प्रक्रिया के उपरांत अपनी बच्ची को घर लेकर आ गए। इस बीच बच्ची की मां ने बताया कि वो डीएमसीएच में अपने पिता का इलाज करा रही थी। बेटी आस्था मां के साथ ही अस्पताल में थी, खेलते खेलते वो कब बाहर निकल गई पता ही नहीं चला। मुझे लगा कि घर से लोग अस्पताल आए थे, हो सकता है उन्हीं लोग के साथ घर चली गई होगी, लेकिन बाद में पता चला कि वो भटक कर यातायात थाना पहुँच चुकी है। रीना देवी ने अपनी खोई हुई बेटी को वापस पाकर उन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया, जिन सभी की वजह से उन्हें अपनी बेटी वापस मिली। यहाँ यातायात थाना पर पहुंचा दिया गया था, भटक रही थी तो मोहल्ले के लोग पहुंचा दिया था यहाँ थाना पर। मैं बड़ा बाबू के द्वारा सूचना दिया गया कि एक भटकते हुए बच्ची आ गई है, कृपया आप लोग जो आगे कार्रवाई के लिए अपने साथ ले जाइए। उस सूचना के उपरांत हम लोग यहाँ आए और जब बच्ची से पूछताछ किए, नाम ताम जानने के लिए, नाम पता जानने के लिए जब पूछताछ किए बच्चा से, तो बच्चा ने बताया जो मेरा घर सुरहा चट्टी है, पिता का नाम विजय महतो है और माता का नाम रीना देवी है। तो मैंने सुरहा चट्टी के इनके पड़ोसी को फ़ोन किया और उससे फ़ोन करके पता ले करके तब बच्ची को, इसके माँ को बुला करके बच्ची को सपोर्ट किया। सच्चिदानंद झा, चाइल्ड लाइन दरभंगा, काउंसिलर हूँ। इनको भी सूचना मिली गई, अब यह है तो इनको थाना पे विधिवत इनको पहचान कर और इनके पूर्व का फोटो देख कर कि इन्हीं की बच्ची है और पूरे वेरीफाई करके इनको सपोर्ट कर दिया। नगर विधायक संजय सराबगी के टिकट लेकर दरभंगा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा उनके स्वागत के लिए। इसका नज़ारा इस दौरान देखा जा सकता है। कार्यकर्ता अति उत्साह में हैं और एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उनको नगर का महत्वपूर्ण सीट दिया है, जिस पर वो पिछले 4 बार इस चुनाव को जीत चुके हैं और पार्टी का परचम यहाँ लहराया है उन्होंने। और इसको लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी दिख रहा है कि इस बार फिर उनकी जीत होगी और पार्टी का परचम यहां फिर से लहराएगा। नाले बने, अभी भी 80,000 फुट के नाले का निर्माण चल रहा है, जिस क्षेत्र में जल जमाव की समस्या है और सभी का विकास हुआ, रोड बने, सड़क बने। आप जाके सरकारी विद्यालयों को देखिए, सरकारी विद्यालयों को देखिए, कहीं भवन नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज जाके देखिए, तारा मंडल बन रहा है, साथ साथ रेल ओवर ब्रिज पास हुआ है, एम्स पास हुआ, हवाई अड्डा पास हुआ, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार है, सदर अस्पताल का मतलब शिक्षा में काम हुआ, स्वास्थ्य में काम हुआ, आधारभूत संरचना में काम हुआ और महिलाओं को सम्मान दिया। आज महिलाओं को आरक्षण मिला और आज महिलाएं गर्व से काम इस बार क्या काम करेंगे और काम छूटा हुआ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीएचडी विभाग के कर्मी द्वारा मानसिक प्रताड़ना के कारण पीएचडी पंजीयन रद्द करने के संबंध में दिया आवेदन। छात्र हिमांशु कुमार ने, हिमांशु कुमार पीआरटी 2017 बैच के छात्र, अर्थशास्त्र विभाग के शोधार्थी हैं।
पीएसडी विभाग के कर्मी महेश्वर कुमार के द्वारा दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना देने के कारण वह यहां से पीएसडी नहीं करना चाहता है। इसके लिए उन्होंने बार बार सभी वरीय अधिकारी को इस छात्र ने सूचना दी और अपना पक्ष रखा, लेकिन कोई भी समुचित निदान नहीं हो सका, जिसके बाद हिमांशु पीएसडी रद्द करने को लेकर और मानसिक स्थिति ठीक रह सके इसके लिए कुलपति, कुल सचिव, छात्र कल्याण अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक व उप परीक्षा नियंत्रक सहित अन्य अधिकारियों को आवेदन दिया है। फाइल आगे नहीं बढ़ पाया, डीन साहब का चार्ज हुआ, चार्ज होने के बाद जब फाइल वहाँ सिग्नेचर होके आया, सारा काम प्रोसेस होके और वो चला गया हेड साहब के पास पैनल, और पैनल वहाँ पे जाने के बाद फिर ये महेश्वर जी ने वहाँ पैक किए हैं इस मंडे को, उसको वहाँ से कटवा के फिर रजिस्टर से उसको मंगवा लिए हैं, और पैसा का डिमांड होता है यहाँ तो हर एक टेबल पर 500 रुपया चाहिए, और अभी सब आदमी यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली है तो 500 की जगह मनमाना पैसा लेते हैं। क्या इसकी शिकायत किए हैं? हाँ, हम लोग मौखिक शिकायत किए हैं रजिस्ट्रार साहब को, रजिस्ट्रार साहब बुला के भी बोले, लेकिन वो लोग कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोग कल भी गए, कल भी रजिस्ट्रार साहब फोन करके बोले जो अभी लोग इस फाइल पर कार्रवाई की जाए, मेरे पास इसका कंप्लेन दोबारा नहीं आना चाहिए। ऐसे समस्या बराबर आप बहुत सारे सुधार हमारे ही साथ नहीं, बहुत सारे के पास, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जो कि मधुबनी इवन बॉर्डर एरिया से आ रही हैं और वो काम का तो समझ आ रही है। आगे क्या एक्शन होगा अगर आप लोग पर? अगर देखिए, हमारा एक ही कहना है, अगर हम गलत हैं तो मेरा पीएचडी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए, अगर वो गलत है तो उनका सस्पेंशन किया जाए। क्या नाम हुआ? हिमांशु कुमार। कहाँ से? यही दरभंगा से। किस विषय में करना? इकोनॉमिक्स से। 2017 का। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई द्वारा नगर कार्य समिति सदस्य उज्ज्वल आनंद के नेतृत्व में सीएम विधि महाविद्यालय में ऑनलाइन अप्लाई व नामांकन को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर उज्ज्वल आनंद ने कहा कि हम लोगों ने अध्यक्ष छात्र कल्याण से आग्रह किया कि जब सभी महाविद्यालय में अब नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन लिया जा रहा है तो सीएम विधि महाविद्यालय में भी पारदर्शिता बरतने हेतु ऑनलाइन नामांकन हेतु सारी व्यवस्था किया जाए ताकि छात्रों को आसानी से अपना नामांकन करने में सुविधा प्रदान हो। वहीं इस अवसर पर विश्वविद्यालय संयोजक पिंटू भंडारी ने कहा कि वर्तमान समय में छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण नामांकन व छात्र हित संबंधित व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करने की आवश्यकता है, क्योंकि विधि का कोर्स होने के बावजूद इसके नामांकन से संबंधित सारे क्रियाकलापों को ऑफलाइन माध्यम से ही अब संचालित किया जाता रहा है, जिसके कारण कई बार नामांकन प्रक्रिया पर विवाद उत्पन्न होते रहे हैं, जिसका महाविद्यालय व यहां अध्ययनरत छात्रों के छवि को भी नुकसान पहुंचती है। महाविद्यालय व यहां पढ़ने वाले छात्रों के हितों में भी यह आवश्यक है कि नामांकन प्रक्रिया को सुलभ बनाया जाए। वहीं इस अवसर पर जिला संयोजक मणिकांत ठाकुर ने कहा कि काफ़ी लंबे समय से वहां पर छात्रों की मांग थी कि इकलौती विधि महाविद्यालय होने के बावजूद यहां सुविधा के नाम पर अन्य महाविद्यालय से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, काफ़ी पुरानी मांग थी। विधि महाविद्यालय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई की रही है कि नामांकन के साथ अन्य सभी सुविधा जो अन्य महाविद्यालय में छात्रों को प्राप्त होती है वह यहाँ अध्ययनरत छात्रों को भी प्राप्त हो, जिसको लेकर हम लोगों ने माननीय कुलपति महोदय के साथ ही अध्यक्ष कल्याण महोदय को भी अपने बातों से अवगत करवा चुके हैं, जिसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति से मिला छात्र संघ के शिष्टमंडल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को नियम परिनियम के आधार पर चलने, नियमित रूप से कामकाज हो सके, विद्यालय को पटरी पर लाने एवं ठोस कदम उठाने, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए छात्र संघ के सभी महाविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारी को अधिकार मिल सके, इन बातों को लेकर के कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह से मिलकर छात्र संघ के शिष्टमंडल ने अपनी बात रखी, जहां कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा छात्र संघ को विश्वविद्यालय प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा। एनएसयूआई विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रहलाद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति से मुलाकात कर छात्र छात्राओं के समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें स्नातक पार्ट 1 पार्ट 2 के छात्रों को अगले कक्षा में प्रोन्नति की जाने की मांग की। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट पर बहुत जल्द विचार करने की बात की गई एवं पीजी सेमेस्टर 2 के छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने की भी बात की गई एवं एनएसयूआई ने मांग किया कि पीएसडी का वाइवा जल्दी लिया जाए, बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों को अगले कक्षा में प्रमोट किया जाए। वहीं प्रहलाद कुमार सिन्हा ने साफ लफ्जों में कहा कि किसी हाल में सेशन विलंब नहीं होना चाहिए।
मधुबनी जिला प्रभारी पंकज कुमार झा ने कहा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा छात्र एवं छात्राओं को दिग्भ्रमित करना गलत है। इस बातों को ध्यान में रखते हुए दरभंगा NSUI विश्वविद्यालय कुलपति महोदय से मिले हैं। NSUI की एक ही मांग है कि इस महामारी में परीक्षा लेना किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हुई है। इंस्टीट्यूट, कोचिंग संस्थान सभी बंद पड़े थे, जिससे छात्र छात्राओं को समुचित शिक्षा नहीं मिल पाई और विश्वविद्यालय गतिविधियों में परीक्षाएं लेने से सेशन में बाधाएं आएंगी। दरभंगा SSP बाबूराम के निर्देश पर लगातार शराब कारोबारियों को पकड़ने के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज लहरिया सराय थाना क्षेत्र के खाजा सराय में नरेश महतो के घर से 300 ml के 150 बोतल यानी कुल 45 लीटर नेपाली सोफिया दारू बरामद किए गए। नरेश को यानी कि शराब कारोबारी को दारू समेत लहरिया सराय थाना को सौंप दिया गया। लगातार यह कार्रवाई चलाई जा रही है दरभंगा SSP के निर्देश पर, और कई कारोबारी इस अभियान के अंतर्गत शराब पकड़ाया है। दरभंगा स्टेशन के निर्देशक बलराम का तबादला दानापुर हो गया। उनका स्थान दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय स्टेशन से आए हुए पुष्पर कुमार लेंगे। बलराम ने दरभंगा में अपने 2 वर्ष के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि मेरे कार्यकाल में दरभंगा स्टेशन का विकासात्मक परिवर्तन हुए, और सबसे कठिन समय था पिछले वर्ष 2 ट्रेन के बोगी में आग लगना, फिर इसी बीच कोरोना के कारण लॉकडाउन लगना, जिससे सब कुछ ठहर सा गया था। नव पद स्थापित स्टेशन डायरेक्टर पुष्पर कुमार ने भी अपनी बातें साझा की। बिना वर्दी में ड्यूटी करने वाले पर गतिविधियां संदिग्ध मानी जाएगी और उन पर भी कार्रवाई होगी, ऐसा कहना है SSP बाबूराम का। पुलिस गाड़ियों के स्टेयरिंग को संभालने वाले अधिकांश जगहों पर प्राइवेट लोग ही रहते हैं, या फिर होमगार्ड और चौकीदार के जवान अधिकारियों के साथ जीप पर बैठने पर अपनी वर्दी को छुपाने की नीयत से और सामने वाले को अधिकारी बताने के चक्कर में सादे लिबास में निकलते हैं। इनका क्षेत्र में कई लफंगों और उचक्कों सहित पॉकेटमार, चोरों, अवैध धंधे वालों से सांठगांठ रहती है। गलत धौंस जताने के चक्कर में विधि व्यवस्था की समस्या भी कभी कभी खराब हो जाती है। ऐसा ही एक मामला शिवधारा चौक मब्बी के निकट देखने को मिला। चेकिंग और वह भी सादे लिबास में होना गलत है। इस स्थिति में अनजाने में कोई गलती नहीं हो जाए, आम जन समझकर या फिर लुटेरे की बात सोचकर कोई मारपीट आदि की घटना भी हो सकती है। देर रात लगभग 1:30 बजे शिवधारा चौक मब्बी के निकट हुआ। सादे लिबास में रहे गश्ती दल के ड्राइवर की ओर से गाड़ियों की जांच की जा रही थी। उसी समय एक राजद के नेता अपनी 4-चक्का वाहन से पहुंचे और पटना जाने के क्रम में उसी वक्त वहां से गुजर रहे थे। एक गाड़ी की चेकिंग चल रही थी, उसमें कुछ महिलाएं भी बैठी थी। सादे लिबास में ड्राइवर, जो कि अपने आप को मब्बी OP का स्टाफ बता रहा था, उसके फोटो खींचने पर महिलाओं ने आपत्ति व्यक्त की। जब नेताजी वहां अपने समर्थकों के साथ पहुंचे तो आनन फानन में गश्ती के इंचार्ज संजीव शर्मा ने उस गाड़ी को जाने के लिए छोड़ दिया। हालांकि उसके बाद नेताजी के साथ बदसलूकी के साथ गाड़ी चेक करने लगा। जब नेता ने कहा कि आपका ड्राइवर सादे लिबास में क्यों है, तो उस पर और भड़क गया और अपने आप को कानून का ठेकेदार बताकर लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा, जिससे लोगों ने वहीं पर उसका विरोध भी किया। गश्ती दंडाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए दरभंगा के DMCH के सभागार में 2 पालियों में गश्ती दल के दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर उनके निर्वाचन से संबंधित कर्तव्यों को समझाते हुए EVM की पूरी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि उनकी ड्यूटी मतदान तिथि के एक दिन पूर्व से प्रारंभ हो जाती है। उन्हें बसगृह से EVM प्राप्त करके आवंटित मतदान केंद्रों तक पहुंचाना है, इसीलिए उनकी ड्यूटी काफ़ी संवेदनशील है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार EVM लेकर जाने वाला कोई भी वाहन किसी थाना, किसी ढाबा, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर नहीं रुकेगा। मतदान केंद्रों को EVM उपलब्ध कराने के उपरांत उसी PSL पर रहकर दिन भर विधि व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण बनाए रखना तथा मतदान समाप्ति के उपरांत पुनः EVM सुरक्षित वापस लाकर बसगृह में जमा करना है। उन्हें COVID-19 के गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करने से संबंधित तथा सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई। DMCH ऑडिटोरियम में आयोजित चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम से अनुपस्थित शिक्षकों पर DM ने कार्रवाई करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।
चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम में लापरवाही एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में प्लस टू पूर्वांचल उच्च विद्यालय आरएस टैंक लहरियासराय के नियोजित शिक्षक संजीव कुमार, प्लस टू ओंकार उच्च विद्यालय सुपौल बाजार बिरौल के सहायक शिक्षक राहुल कुमार झा, प्लस टू विदेह उच्च विद्यालय उघरा के नियोजित शिक्षक शंभू कुमार शाह का वेतन डीएम ने अनुपस्थित रहने के लिए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक वेतन स्थगित कर दिया है। डीएमसीएच ऑडिटोरियम में आयोजित चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम से अनुपस्थित शिक्षकों पर डीएम ने कार्रवाई करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम में लापरवाही एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में प्लस टू पूर्वांचल उच्च विद्यालय आरएस टैंक लहरियासराय के नियोजित शिक्षक संजीव कुमार, प्लस टू ओंकार उच्च विद्यालय सुपौल बाजार बिरौल के सहायक शिक्षक राहुल कुमार झा, प्लस टू विदेह उच्च विद्यालय उघरा के नियोजित शिक्षक शंभू कुमार शाह का वेतन डीएम ने अनुपस्थित रहने के लिए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक वेतन स्थगित कर दिया है।